जिप्सी चालक पर्यटकों की जेब पर डाल रहे हैं डाका, उधर पर्यटकों से अवैध वसूली। कुटुम्बसर गुफा में पर्यटकों से अधिक किराया वसूली किया जा रहा है, इससे प्रबंधन बेखबर है। कुटुम्बसर गुफा में वन विभाग के द्वारा जिप्सी संचालन के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस तरह तय किराया से अधिक नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ के कुछ कर्मचारियों के द्वारा नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। गुरुवार को जिप्सी चालक के कर्मचारियों की यह अवैध वसूली सामने आई है। क्रिसमस के कारण कुटुम्बसर में भीड़ अधिक थी, इस भीड़ का फायदा उठाकर पर्यटकों से अधिक वसूली किया जा रहा है। इसी तरह जिप्सी चालक पर्यटकों से 500 रुपए अधिक ले रहे हैं। पर्यटकों के साथ खुलेआम इस तरह की अवैध वसूली के बाद भी कुटुम्बसर प्रबंधन इससे बेखबर है। अतिरिक्त प्रभार कुटुम्बसर गुफा के धनीराम राजपूत ने बताया कि इस संबंध में शिकायत आई थी, इस पर कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है। इस तरह की मनमानी कर रहे हैं तो जांच कराई जाएगी, गलती मिली तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये है सवितर्क न्यूज सच की आवाज। दोस्तों नमस्कार, सवितर्क न्यूज सच की आवाज से हम पहुंचे हैं एक पर्यटक स्थल कांगेर वैली नेशनल पार्क। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ के पर्यटकों के साथ में जो बातें होती हैं, पर्यटक किस प्रकार से परेशान होते हैं और उनको किस प्रकार से परेशान किया जाता है। हम विश्वमित्र स्वागतिका है और हम भुवनेश्वर ओडिशा से आए हैं। तो यहाँ पर आके घूमने गए तो यहाँ पर पहले हम 2400 रुपए जमा किए, तो गाड़ी में जब बैठने लगे तो हमको हमारे पास बच्चे हैं, 6 लोग जा सकते हैं उड़ने उड़ने, लेकिन हमारे पास बच्चे हैं तो नहीं चलेगा। लेकिन बीच रास्ते में हमको बोला कि 500 रुपीज ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपके पास बच्चे ज़्यादा है, नहीं तो हम यहाँ से आपको रिटर्न ले लेंगे और उतार देंगे। क्या उन लोगों ने आपको पहले नहीं देखा था, आपके बच्चों को पहले से देखा था। उसके बाद उन्होंने आपकी जानकारी नहीं दिया? नहीं दिया। क्या बोला उन लोगों ने? कुछ नहीं, चल जाओ बैठो, चलो जाने दो, हमको ये कुछ नहीं है। हम जो उम्मीद लेके गए थे कि हाँ यहाँ अच्छा लगता है, देखेंगे घूमेंगे, बच्चे लोग को भी अच्छा लगेगा, तो जाने के बाद बाकी सब तो अच्छा लगा, लेकिन वो जो ड्राइवर भाई 102 नंबर वाला गाड़ी है वो क्या बोला कि बीच रास्ते में हमको अटका के बोला कि 500 रुपये दो, अगर 500 रुपये नहीं दोगे तो आप उतर जाइए। तो हम भी उतर गए थे, लेकिन फिर उसको क्या पता चला क्या नहीं, हमको नहीं पता है। फिर बोला कि ठीक है चलो 500 रुपये दे, बोला नहीं दूंगा, अगर उतरना है तो हमको यहीं ही उतर दो, हम जंगल में जहाँ जो जो होगा होगा देखा जाएगा, हम बच्चे जो होगा फिर भी चलेगा। फिर आया घूम के हमको गुफा का अंदर लिया, फिर वहाँ अच्छा लगा कि वहाँ का गाइड भी अच्छा है, हमको अच्छा ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। फिर जो गाड़ी ले कर आया वो भी अच्छा है, लेकिन वो घाटी हमको थोड़ा दिखा के, उस जंगल में ज़्यादा घाटी नहीं है फिर भी थोड़ा घाटी है, वो घाटी से हमको तो पता नहीं कि क्या आगे क्या है, तो नीचे रख के हमको बोला कि 500 रुपये चाहिए। हम बोला भाई 500 रुपये में आपका गाड़ी चलता है, हमारा बच्चा तुमको नहीं दिखा दिया, पहले से नहीं लेना चाहिए कि भाई तुम्हारा साथ बच्चा है, जब गाड़ी स्टार्ट करके 5 किलोमीटर लाया उसके बाद क्यों बोलते हो हम बीच रास्ते में, ये क्या परेशानी है, यही हमारा। सर ये जो कुटुम्बसर गुफा है जहाँ पे आपके विभाग द्वारा हम देख रहे हैं कि पर्यटकों के लिए जिप्सी की व्यवस्था की गई है और कुटुम्बसर का दर्शन कराया जाता है, वहाँ पर कुछ पर्यटक हैं जो जिन्होंने यह जानकारी दिया है कि उनके साथ बीच रास्ते में जबरन उतार करके उनसे 500 रुपए अधिक मांगा जाता है, ये क्या बात है सर, बताएंगे? इसमें अगर जिप्सी वाले कोई मांग रहे होंगे, जिप्सी में वैसे 6 लोगों का तो निर्धारण पहले से ही है, 6 व्यक्ति है जिप्सी में, और 12 साल से कम बच्चे वो फ्री में, उनका कोई टिकट नहीं लगता है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं जिप्सी वाले तो वो गलत कर रहे हैं, पर्यटक लोगों से साथ में वो गलत हो रहा है। सर हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जो पर्यटक बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र से आते हैं कुटुम्बसर देखने के लिए, यह हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो छवि है उनके बीच में यह जिप्सी जलाने वाले जो दिखाते हैं उनको बीच रास्ते में खड़े करके उनसे 500 या अधिक की राशि ली जाती है, ये इस पर उन्हें 600 से 6 लोगों से अधिक हो बोल के लिया जाता है, ये क्या बात है सर? नहीं नहीं, 6 लोगों से अधिक अगर हैं बच्चे और बच्चे अगर साथ में हैं तो 6 से 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं अगर बच्चे हैं तो, और जिप्सी वाले चाहे तो 1 आदमी 2 आदमी को उसमें एडजस्ट करते हैं, लेकिन पैसा अलग से नहीं लिया जाता है। सर महिलाओं का आरोप है, वहाँ जो महिलाएं गई हुई थी, पर्यटक गए हुए थे, उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार, 102 नंबर जो जिप्सी क्रमांक है, 102 नंबर उन्होंने बताया था, उसके जो चालक हैं उन्होंने
बीच रास्ते में खड़े करके, कुटुंब सर के बीच रास्ते में खड़े करके उनसे 500 रुपए की राशि मंगी। उन्होंने कहा 6 से अधिक हो, जबकि वो महिला चिल्ला रही थी, बार बार बता रही थी कि मेरा बच्चा 6 साल से कम उम्र का है, 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, मैं उसे छोड़ के कैसे जाऊंगी। उसके बाद भी उससे 500 रुपए की राशि मांगी जा रही थी। तो ये जो वाहन क्रमांक 102 है, अब इसका इसकी सूचना जो है ना, रिपोर्ट जो है, हम अपने निदेशक महोदय जी को देंगे, लिखित में देंगे या मौखिक रूप से भी देंगे। उसमें महोदय से निवेदन करेंगे, इसे जिप्सी वाले ऐसे जो बदमाशी कर रहे हैं या जो भी पर्यटक लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम धनीराम राजपूत। सर आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं अभी उप वन क्षेत्रपाल हूँ, लेकिन अभी अतिरिक्त प्रभार कुटुंब सर पर